पूरा देश कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कुछ बड़ा हो रहा है। क्या बड़ा हो रहा है, कैसी लहर उठी है, वो आपका ये स्नेह ये विश्वास दिखा रहा है। भाइयों बहनों, आपके प्यार के लिए आपको सलाम। अब जगह बची नहीं, जहां है वहां खड़े रहिए। आगे माताएं बहने हैं, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया, तो वहीं रुकेंगे। आपकी इजाजत है तो बोलना शुरू करो, बोलो। भारत माता की, अद्भुत प्यार है आपका, अद्भुत प्यार। साथियों, इस बार वाकई पश्चिम बंगाल के लोगों ने ठान लिया है, स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। मैं मीडिया में देख रहा था कि कैसे सामान्य लोगों ने, हमारी बहनों ने टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया। उनकी लाख लाख कोशिशों के बावजूद, धमकियों के बावजूद, भारी संख्या में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हमारी माताएं बहने और हमारे नौजवान साथी वोट देने के लिए निकल पड़े। भाइयों, बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है, उसने स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद पर भी ब्रेक लगा दिया है। इसी बौखलाहट में किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो भी देश देख रहा है। पुरुलिया में हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या की गई, अपने ही साथी परिजनों के साथ मैं खुद और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। मैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के हर कार्यकर्ता को, यहां के हर मतदाता को, यहां के बच्चे बच्चे को आश्वासन दिलाता हूं कि इस अत्याचार का पूरा न्याय होगा। बीजेपी के हर कार्यकर्ता बंगाल के हर व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई है, उस हिंसा करने वालों के, उस साजिश करने वालों को अब कानून सजा करके रहेगा, न्याय होके रहेगा। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए।